हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्म यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए आज क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं उससे रिलेटेड आज वीडियो हमने बनाई है। सो गाइस, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लाइंडिंग एंड अनब्लाइंडिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। चलिए देखते हैं ब्लाइंडिंग एंड अनब्लाइंडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है। सो ब्लाइंडिंग इज ए प्रोसीजर इन विच वन और मोर पार्टीज इन ए ट्रायल आर केप्ट अनअवेयर ऑफ विच ट्रीटमेंट आर्म पार्टिसिपेंट हैव बीन असाइंड टू। सिंपली मीन्स एक क्लिनिकल स्टडी है जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट या इन्वेस्टिगेटर को ये पता ही नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट या मेडिकेशन ह्यूमन पार्टिसिपेंट को दिया जाना है, देन उस सीनेरियो को हम बोलते हैं ब्लाइंडिंग। सो हमने देखा ब्लाइंडिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं रीजन फॉर ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग इज यूज टू प्रिवेंट इंटेंशनल और अन इंटेंशनल बायसनेस इन डिजाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सो गाइस, ब्लाइंडिंग में क्या होता है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट का दो ग्रुप में बांटा जाता है, दैट इज कंट्रोल ग्रुप, दैट इज जिन्हें प्लासेबो दिया जाता है, एंड दूसरा ग्रुप वो होता है जिन्हें एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया जाता है। एंड मान लो कि ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टडी इन्वेस्टिगेटर को किसी ह्यूमन पार्टिसिपेंट से क्लोज बॉन्डिंग हो जाता है एंड उसे पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट का कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है अगर उसे कंज्यूम किया, तो इस सिनेरियो में इन्वेस्टिगेटर के बायसनेस होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लाइंडिंग किया जाता है इन क्लिनिकल ट्रायल, ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर चाहता भी है बायसनेस करने के लिए, वो चांसेस ना हो बायसनेस शो करने के। सो गाइस, हमने देखा रीज़न फॉर ब्लाइंडिंग इन क्लिनिकल ट्रायल किस लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग कितने होते हैं। सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग, ये 10 टाइप्स के ब्लाइंडिंग के होते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल। सो इन सिंगल ब्लाइंडिंग, ए ट्रायल इन विच वन पार्टी एदर द इन्वेस्टिगेटर और पार्टिसिपेंट इज अनअवेयर ऑफ विच ट्रीटमेंट द पार्टिसिपेंट इज टेकिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड सिंगल मास ट्रायल। सिंपली मीन्स जो भी क्लिनिकल ट्रायल है, अगर उसमें इन्वेस्टिगेटर या ह्यूमन पार्टिसिपेंट को अनअवेयर रखा जाए कि उसे कौन सा ट्रीटमेंट या मेडिकेशन दिया जा रहा है, देन उसे कहते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग। एंड मोस्टली इन सिंगल ब्लाइंडिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट को ही अनअवेयर रखा जाता है कि उसे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वाइल कमिंग टू द डबल ब्लाइंडिंग, ए क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन इन विच नेदर द पार्टिसिपेंट और नॉर स्टडी स्टाफ नो विच पार्टिसिपेंट आर रिसीविंग द सप्लीमेंटल मेडिसिन एंड विच आर रिसीविंग प्लासेबो। सिंपली मीन्स अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हो रही है एंड उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट या जो इन्वेस्टिगेटर है उन्हें अनअवेयर रखा जाए कि उन्हें किस फॉर्म का ट्रीटमेंट या मेडिकेशन दिया जाना है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को, तो उस सिनेरियो को बोला जाता है डबल ब्लाइंडिंग। तो हमेशा ये याद रखिए, इन डबल ब्लाइंडिंग सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन दिया जाना है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन ब्लाइंडिंग में ह्यूमन पार्टिसिपेंट जो दो ग्रुप में बांटा जाता है, दैट इज एक ग्रुप वो होता है जो कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा ग्रुप वो होता है जिन्हें एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया जाता है। एंड कमिंग टू द ट्रिपल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग मीन्स जिसमें जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है एंड इन्वेस्टिगेटर है एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी क्लिनिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, दैट इज क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट या मेडिकेशन दिया जा रहा है इन क्लिनिकल स्टडी, एंड उस सिनेरियो को हम बोलते हैं ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सो गाइस, किने अनअवेयर रखा जाता है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट और मेडिकेशन रिसीविंग, दैट इज सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर एंड क्लिनिकल डेटा टीम को अनअवेयर रखा जाता है ट्रिपल ब्लाइंडिंग में। सो गाइस, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग क्या होते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्लासेबो। प्लासेबो इज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव एजेंट दैट कैन हैव ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सिंपली मीन्स जो प्लासेबो होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं, मीन्स उनका खुद का फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता जब भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट कंज्यूम करेगा प्लासेबो को। वाइल एक्टिव प्लासेबो इज ए प्लासेबो विद प्रॉपर्टी दैट कैन मिमिक सिम्टम्स अ साइड इफेक्ट दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्टिव आईपी। सिंपल एक्टिव प्लासेबो वो प्लासेबो होते जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है मिमिक करने की सिमिलर टू दैट ऑफ एक्टिव आईपी। फॉर एग्जांपल, अगर आईपी का कोई साइड इफेक्ट है, दैट इज़ ड्राई माउथ, स्वेटिंग, तो एक्टिव प्लासेबो भी वही साइड इफेक्ट शो करेगा जब भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट कंज्यूम करेगा, जिसके थ्रू जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंस ना कर पाए कि उन्हें प्लासेबो दिया गया है या एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको प्लासेबो समझा हो। सो गाइस, एक इमेज है गूगल पे अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी है रिलेटेड टू ब्लाइंडिंग एक्सप्लेनेशन। सिंपल, अगर पेशेंट है एंड उसे पता नहीं कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो कौन सा ट्रायल हो जाएगा, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। एंड अगर कोई क्लिनिकल स्टडी है जिसमें
अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन पार्टिसिपेंट एंड इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल ब्लाइंडिंग। एंड थर्ड केसेस में अगर कोई एक ट्रायल है जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट प्लस इन्वेस्टिगेटर प्लस जो भी क्लिनिकल डेटा टीम होगी, अगर उन्हें अवेयर नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इन क्लिनिकल स्टडी, तो उसे कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सो गाइस, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा हमने जैसे पहले डिस्कस किया, होपफुल हो कि आपको ये इमेजेस देख के आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा रिलेटेड टू ब्लाइंडिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग। सो चले आते हैं हम अनब्लाइंडिंग ट्रायल्स के ऊपर। सो देखते हैं कि अनब्लाइंडिंग ट्रायल्स होते क्या है। ए ट्रायल इन विच नो ब्लाइंडिंग इज यूज एंड ऑल पार्टीज आर अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड ऑल्सो कॉल्ड ओपन लेबल। सो गाइज, अनब्लाइंडिंग ट्रायल को ओपन लेबल ट्रायल भी बोला जाता है एंड इसमें कोई भी ब्लाइंडिंग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन दिया जाना है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को, वो सारे ट्रायल टीम को अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन पार्टिसिपेंट को पता होता है। सो ये जो अनब्लाइंडिंग है वो कुछ ही क्लिनिकल स्टडी के लिए एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लिनिकल स्टडी है जिसमें किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सच एज कैंसर, इनसे रिलेटेड स्टडी कंडक्ट होने वाले थे, तो उस केसेस में जो भी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन देना है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को, उन्हें बताया जाता है। फॉर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस एंड व्हेन एथिकल कंसिडरेशन टू नॉट परमिट ब्लाइंडिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल, कोई IRB IIC अथॉरिटी जो होती है, दैट इज एथिकल कमेटी, उन्हें लगता है कि ऐसे जो स्टडी जो कंडक्ट हो रही है उसमें ब्लाइंडिंग का कुछ यूज नहीं होगा एंड ब्लाइंडिंग करना अनएथिकल होगा, तो उस केसेस में ट्रायल टीम को बताना होता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को कौन सा ट्रीटमेंट या मेडिकेशन दिया जाना है। एंड ड्यूरिंग सर्जरिकल ट्रायल्स, सिंपल, अगर कोई सर्जरी कंडक्ट होने वाली तो उसे छुपाने का कोई बात हो ही नहीं सकता और आप छुपा भी नहीं सकते हो, तो सिंपली इन सब सारे सिनेरियो में अनब्लाइंडिंग ट्रायल्स कंडक्ट हो सकती हैं। सो गाइज, ये था ब्लाइंडिंग एंड अनब्लाइंडिंग। होपफुल आपको ये वीडियो समझा हो। सो गाइज, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें फार्मा रिलेटेड डेली अपडेट्स एंड जो भी क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कोर्स है उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम उस टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो एंड उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। एंड यस, मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन कोर्स स्टार्ट कर चुका है एंड ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है एंड इससे रिलेटेड 6 से 7 वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। सो गाइस, आपको इंटरेस्ट है क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने की, तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उनके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो गाइस, प्लीज़ आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड टिल देन, आप अपने आप का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंड टिल देन, बाय बाय।